नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। दूसरी लहर के बाद सीरो सर्वे कराया गया, जिसमें ये पाया गया है कि 67% लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी एंटीबॉडी है। इसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने टीका ले लिया है, और इसके साथ ही विशेषज्ञों का ये मानना है कि जिस तरीके से एंटीबॉडी पाई गई है, अभी तीसरी लहर अगर आती भी है तो इसका असर दूसरी लहर से कहीं ना कहीं कम होगा। तीसरी लहर आएगी और ये कब चला जाएगा पता भी नहीं चल पाएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि 13 ऐसे राज्य हैं जिनको अभी भी कोरोना से डरने की ज़रूरत है, अभी भी कोरोना का जो खतरा है वो उन पे मंडरा रहा है। जी हम आपको बता दें कि 13 राज्यों में कोरोना के सक्रिय रोगियों में बढ़ोतरी का रुझान है। केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के अलावा पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में कोरोना के दैनिक मामलों की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के निर्देशक प्रोफेसर जुगल किशोर ने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों में एंटीबॉडी मिलने से ये बात तो क्लियर है कि कोरोना की तीसरी लहर पहले जैसी खतरनाक या भयावह नहीं होगी। लेकिन जिस प्रकार तेजी से मामले घट रहे थे और अब वह 40,000 पर स्थिर हो गया है, तीसरी लहर आने की आहट हो सकती है। कई देशों में ऐसा ही हुआ है, उन्होंने तीसरी लहर के अलावा भी अन्य कई लहरों का भी सामना किया है। वहीं जुगल किशोर का कहना है कि आने वाले दिनों में संक्रमण में बढ़ोतरी का रुझान दिख सकता है, लेकिन भीड़ बढ़ाने वाली घटना नहीं होगी तो संक्रमण ज़्यादा फैलाव नहीं होगा संक्रमण का। इस प्रकार तीसरी लहर आएगी और जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन यदि भीड़ बढ़ी और ज़्यादा लापरवाही हुई तो लापरवाही जो है वो महंगी पड़ सकती है, संक्रमण का दर जो है वो बढ़ सकता है, और इस तरीके से हम तीसरी लहर की भी आगाह करेंगे अगर हम असावधानी बरतते हैं तो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीरो सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार अभी 40 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जो संक्रमण से बचे हैं और टीका भी नहीं लगाए हैं। ये आबादी जो है वो बहुत बड़ी आबादी है। साथ ही हम आपको बता दें कि 3 ऐसे कारण हैं जिससे कोरोना संक्रमण का जो दर है वो बढ़ सकता है, तीसरी लहर की आगाज हो सकती है, वो है डेल्टा वेरिएंट। जी हम आपको बता दें कि NCDC का कहना है कि देश में मौजूद समय में 80% से ज़्यादा संक्रमण जो है वो डेल्टा वेरिएंट का है, जो अब तक का सर्वाधिक संक्रमण वेरिएंट है। डेल्टा प्लस के भी सभी ज़्यादा संक्रामक होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन डेल्टा की मौजूदगी की भी तीसरी लहर का कारण बन सकती है। साथ ही हम आपको बता दें कि नया जो वेरिएंट है वो भी काफी खतरनाक हो सकता है, और तीसरी लहर की भी आने की आशंका जताई जा रही है। जी हम आपको बता दें कि डेल्टा प्लस में 2 बदलाव हो चुके हैं, लेकिन अभी उसकी संक्रामक प्रवृत्ति जो है वो कोई ठोस बात उसकी सामने नहीं आई है। वह ये वेरिएंट जो है प्रभाव और किसी नए वेरिएंट की दस्तक भी तीसरी लहर के प्रमुख कारण हो सकती है। हेलो हेलो हेलो, जरा रुकिए, ठहरिए, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं एक खुशखबरी। आपका अपना न्यूज पीआर हो जाएगा 26 जुलाई को 1 साल का। तो इस मौके पर अगर आप देना चाहते हो हमें कोई सुझाव या फिर शुभकामना, तो जल्दी से नीचे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे अपना एक वीडियो बनाकर हमें भेजें। हम आपको मौका देंगे अपने चैनल पे आने का। साथ ही हम आपको बता दें कि जितने भी संक्रमित व्यक्ति हैं उनके अंदर 6 महीने तक इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बरकरार रहती है, और उसके बाद उनका इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होता हुआ नजर आता है। और हम बात करें वैसे लोगों की जिन्होंने जो संक्रमित होके ठीक हो चुके हैं और उन्होंने टीका भी ले रखा है, तो वैसे लोग के अंदर जो है वो 6 महीने के बाद धीरे धीरे इम्यूनिटी सिस्टम खत्म होती हुई नजर आती है। तो इस तरीके से अगर इम्यूनिटी सिस्टम कम होती है तो तीसरी लहर आने की भी आशंका है, और तीसरी लहर का जो संक्रमण दर है वो भी बढ़ सकता है। इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर।